हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 8 सोशल साइंस की। बच्चों, ये वर्कशीट है जो आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 से 1947। अ नेशन इन द मेकिंग इन द फर्स्ट 20 ईयर्स 1885 से 1905। कांग्रेस वॉज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मैथड्स। जो कांग्रेस थी वो अपने जो इसके ऑब्जेक्टिव थे और जो मैथड्स थे उनमें मॉडरेट थी। मॉडरेट क्या होता है, यानी एक जो मध्यस्थता का काम करता है, ठीक है, अंग्रेज सरकार के और जो इंडियन पीपल थे उनके बीच मध्यस्थता का काम जो है वो कौन कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। देयर मेन डिमांड्स वर। तो जो ये कांग्रेस थी ये जो है इसका मानना था, ठीक है, कि जो ब्रिटिश है वो जो इनके आइडियल्स हैं, इनके व्यूज़ हैं, इनके जस्टिस हैं, उनकी जो है क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और अगर वो कोई डिमांड करते हैं उनसे तो वो उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। देयर मेन डिमांड्स वर। तो उनकी मेन जो डिमांड थी वो क्या थी, पॉलिटिकल डिमांड, ठीक है। पॉलिटिकल डिमांड में ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए। जितने ज़्यादा इंडियन रिप्रेजेंटेटिव होंगे उतना ही वो अपनी बात जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोर पावर्स टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल, की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द प्रोविंसेस वेयर इट इज़ नॉट, जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ पर उनको फॉर्म करना चाहिए। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडियन एज इंडिया एज वेल। जो सिविल सर्विस एग्जाम है जो लंदन में होता था, ठीक है, उसको इंडिया में भी कराने की मांग की थी। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग कर देना चाहिए। रिपील ऑफ द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट जो है उसको हटा देना चाहिए। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और जो फ्रीडम है सबको अपने एक्सप्रेस करने की, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़, वो जो है उनको फ्रीडम होनी चाहिए, यानी किसी तरह की कोई जो है उसकी चीज़ के ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए, हर कोई अपने विचार रखना रख सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिमांड, रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू। तो लैंड रेवेन्यू जो है उसमें रिडक्शन होनी चाहिए। सेकंड, कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, जो मिलिट्री के ऊपर खर्चा किया जाता है वो कम से कम किया जाना चाहिए। मोर फंड्स फॉर इरीगेशन, इरीगेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है वो फंड्स वो निकालने चाहिए, वो देने चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉज, जो फॉरेस्ट के लॉज हैं, ठीक है, उन वो जो है उनमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। एंड प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर एब्रॉड, तो जो इंडियन लेबर है, इंडिया के जो लोग हैं जो एब्रॉड रहते हैं उनके साथ वहाँ पर जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है, जो बुरा बर्ताव हो रहा है, उसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, ठीक है। देयर ऑब्जेक्टिव वॉज नॉट फ्रीडम बट लिमिटेड टू द इम्प्रूवमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन। इनका जो ऑब्जेक्टिव था वो फ्रीडम का नहीं था बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट था, ठीक है, यानी वो लोग फ्रीडम उनका मोटो नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, उनका मोटो था एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार होना चाहिए। मेथड्स टू पुट फॉरवर्ड डिमांड्स, तो जो ये एडमिनिस्ट्रेशन में जो इम्प्रूवमेंट है उसको करने के लिए उन्होंने क्या क्या मेथड्स जो है वो यूज़ किए, क्या क्या मेथड्स उन्होंने अपनाए। तो फर्स्ट उन्होंने न्यूज़पेपर का सहारा लिया, न्यूज़पेपर के थ्रू जो है उन्होंने अपनी डिमांड ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुँचाई। सेकेंड, बाय राइटिंग आर्टिकल्स, जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं उसके थ्रू। थर्ड, क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर इन दर स्पीचेस, ठीक है, जो ब्रिटिश रूल थे उनके उनको क्रिटिसाइज किया अपनी स्पीचेस में। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, तो पब्लिक के जो ओपिनियन थे उनको उनको जो है फ्रेम करके अपने रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो वहाँ पर भेजे। एंड पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम, और मेमोरेंडम के थ्रू भी उन्होंने अपनी जो डिमांड है वो उनके सामने रखी। तो ये मेथड्स हैं जिनके थ्रू जो कांग्रेस है उन्होंने अपनी डिमांड जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखी थी। अब देखिए, क्वेश्चन 4 दिए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन योर ओपिनियन वाई वुड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, आपके ओपिनियन में जो कांग्रेस है उन्होंने क्यों ये डिमांड की थी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, ठीक है। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड लीड टू इशू ऑफ अ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, टू रीच द गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ दैट एरिया एंड गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू बेटर।
तो उन्होंने इसलिए ज़्यादा डिमांड रखी थी कि जितने ज़्यादा ग्रुप जो है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ होगा तो उतना ही उनकी जो इश्यूज़ हैं, ठीक है, लोगों के जो इश्यूज़ हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखे जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने डिमांड करी थी कि रिप्रेजेंटेशन जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस का वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू है, व्हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाज वन ऑफ द की डिमांड्स फ्रॉम द बिगनिंग। स्टार्टिंग से ही फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो जो है उनकी मेन जो है स्टार्टिंग से ही की डिमांड रही, तो ऐसा क्यों था? क्योंकि देखिए वो लोग चाहते थे कि जितने ज़्यादा जो है उनके ऊपर अगर कोई किसी तरह की बंदिश नहीं होगी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने व्यूज़ को फ्रीडम जो है वो पूरी स्वतंत्रता रूप से अपने व्यूज़ अपनी स्पीचेज अगर दे सकते हैं तो उतना ही ज़्यादा वो लोग उनकी बातें सुनेंगे। सो यहाँ से आंसर लिखेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ द की फ्रॉम बिगनिंग बिकॉज इट अलाउड द कॉमन पीपल टू एक्सप्रेस शेयर एंड आर्टिकुलेट देयर ओपिनियन विदाउट द फियर ऑफ एनी लीगल एक्शन। बिना किसी लीगल एक्शन के वो जो है अपने जो कॉमन पीपल हैं वो अपने व्यूज एक्सप्रेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, आर्टिकुलेट कर सकते हैं। बाय दिस वे कॉमन पीपल कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी ग्रोथ इन अ मच बेटर वे, और इससे जो सोसाइटी है वो एक बहुत ही बेटर वे में ग्रोथ जो है कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच मेथड्स वर यूज बाय कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इस डिमांड इन अर्ली ईयर्स। तो अर्ली ईयर्स में जो है किस तरह से जो डिमांड है कांग्रेस ने वो रखी, यानी क्या क्या मेथड्स थे, तो ये बहुत ही जो है अच्छे से आपको आंसर यहाँ पर दिया गया है। तो आपको यहाँ पर लिखना है, नंबर वन बाय न्यूज़पेपर, नंबर टू बाय राइटिंग आर्टिकल्स, नंबर थ्री क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस, नंबर फोर सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, एंड नंबर फाइव इज पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स थ्रू द मेमोरेंडम। तो ये जो है फाइव आप पॉइंट्स लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, इन योर ओपिनियन व्हाई वाज द अर्ली मेथड्स ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट। जो अर्ली मेथड्स जो कांग्रेस के हैं उनको मॉडरेट क्यों कहा गया है, ठीक है, तो आप इसका आंसर यहीं से लिखेंगे, इन अवर ओपिनियन, ठीक है, इन यहाँ पे योर की जगह इन अवर ओपिनियन, एंड इन आवर ओपिनियन द अर्ली मेथड्स ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट, यहाँ से लिख के, और आंसर जो है फिर आप यहाँ से लिखेंगे। सो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर ये भी लिख सकते हैं, दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर देयर आइडल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। ये आप यहाँ से ही क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर लिख देंगे कि उनको लगता था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जो है उनके जो आइडियाज़ हैं, जो फ्रीडम है, जस्टिस है, उसकी जो है रिस्पेक्ट करती है और वो उनको एक्सेप्ट भी कर लेगी, ऐसा कांग्रेस जो है मानना था, इसलिए वो एज ए मॉडरेट जो है काम कर रही थी। ठीक है, तो ये हो गई आपके आज के SST की वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।